बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। कल हमने यह पढ़ा था कि विधाता ने इस जगत को गुण और दोषमय बनाया है, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह हंस की तरह इसमें से गुण को ग्राह्य कर लेते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि यह गुणों को ग्रहण करना और त्याग करना भी आपके हाथ का नहीं है, परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। अस विवेक जब देय विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरी आई, भले हु प्रकृति बस चुकई भलाई। ये परमात्मा जब हमें इस प्रकार का विवेक देता है तो हम अवगुणों का त्याग करके गुणों की तरफ अनुरक्त होते हैं, और यदि कभी समय अथवा कर्म के प्रभाव से कोई भला व्यक्ति प्रभु के मायावश भलाई से या अपने सत्कर्म से चूक जाता है तो सो सुधारी हरि जन जी मिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देही। खल उकरही भल पाय सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। यदि भला व्यक्ति भी सत्कर्म से चूक जाता है तो वह भला व्यक्ति अपनी उस चूक को सुधार कर लेता है, अपने उस दोष को मिटा करके निर्मल यश प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसी प्रकार यदि दुष्ट प्रकृति के लोग कभी कभी उत्तम संगत को पा करके भलाई का काम कर लेते हैं, लेकिन उनका वह दुष्टता का मलिनता का स्वभाव नहीं मिटता है। जैसे लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजी अही तेहू। उगरही अंतन हो यनी बाहु, काल ने मिजी मीरावन राहु। इस जगत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा साधु का वेश बना रखा है और उस वेश के प्रताप से लोग उन्हें पूजते हैं, जबकि उनका वास्तविक आचरण संतों वाला नहीं है। तो ऐसे लोग एक दिन अपनी वास्तविकता के साथ में इस जगत के सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि झूठ की बुनियाद ज्यादा नहीं टिकती। बाबा जी ने स्पष्ट उदाहरण देते हुए कहा है कि अंत तक ऐसे कपट व्यक्तियों का निर्वाह नहीं हो सकता, जैसे कालनेमी राक्षस, रावण और राहु। कालनेमी रावण के द्वारा भेजा गया राक्षस था, जो कि जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो वहां पर साधु का रूप धारण करके हनुमान जी से मुलाकात की थी, तो वहां पर हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था। रावण ने भी साधु का वेश धारण करके सीता का हरण किया था, और राहु जो अमृत की इच्छा से देवताओं के मध्य में वेश बदल करके देव बनकर के जा बैठा था, लेकिन इनमें से किसी का भी कपट छुप नहीं सका। आप अच्छा वेश बना करके सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका वेश बुरा है, आपका आचरण बहुत अच्छा है, तो भी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। जैसे कि येहु कुबेश साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोक हु बेद बिदित सब काहु। हनुमान जी और जामवंत जी क्या सुबेश के थे? क्या उनका वेश अच्छा था? नहीं, जामवंत जी रीछ के वेश में थे, हनुमान जी महाराज वानर के स्वरूप में थे, मगर सत्य का आचरण करने और परमात्मा की भक्ति के प्रभाव से जगत में पूजनीय हैं और रहेंगे।
हमारे वेदों में और इस जगत में इस बात को लिखा भी है और सब जानते भी हैं कि बुरे संग से हानि होती है और अच्छी संगत से लाभ होता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच ही मिलई नीच जल संगा। जैसे पवन का संग पाकर के धूल आकाश पर चढ़ जाती है और यही धूली नीचे की ओर बहने वाले जल का संग कर लेती है तो कीचड़ में मिल जाती है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम देहि गनि गारी। संग के प्रभाव को बताते हुए बाबा जी कहते हैं कि पक्षी भी जैसे तोता जो कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को सुन करके वैसा ही शब्द उच्चारण करता है। अब यदि यह तोता किसी साधु के घर का है तो वह राम राम का सुमिरन करेगा और यही असाधु के घर का तोता है तो गिन गिन कर गालियां देगा। यह संगत का प्रभाव है। संगत की महत्ता को समझाते हुए पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, हो ही जलद जग जीवन दाता। कि कुसंगति के प्रभाव से दुआ कालिक कहलाता है और मगर यही दुआ सुसंग को प्राप्त करता है तो सुंदर शाही बन जाता है और वेद पुराण लिखने का काम करता है। और वही दुआ जो पहले कालिक कहलाता था अब जल अग्नि और पवन के संग से बादल बन जाता है और जगत को जल देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो यकुबस्तु सुबस्तु जग, लख ही सुलक्षण लोग। बाबा जी कहते हैं कि ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सभी कुसंग और सुसंग को पाकर के संसार में भले और बुरे पदार्थ हो जाते हैं। जैसे हमारे जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर उच्च की है तो वह आपको अच्छा फल देती है। जैसे द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो वह स्वग्रही है, आपको अच्छा पैसा प्रदान करेगा। सूर्य और बुध से योग से बुध आदित्य योग बना हुआ है मगर राहु का संसर्ग पाकर के वह ग्रहण योग बना देता है। इसी प्रकार औषधि का भी सेवन यदि बताए गए निर्देशों के साथ किया जाए तो वह आपको आरोग्य प्रदान करती है मगर आपने उसमें बद परहेजी कर दी तो आपका परिणाम उल्टा हो जाएगा, इट मे बी रिएक्शन। और जल यदि पूजा के ग्रह में रखा है तो वह शुद्ध और पवित्र कहलाता है और वही जल अशुद्धि से मिलकर के अशुद्ध हो जाता है। तो यहां पर बाबा जी ने कुसंग और सुसंग में क्या प्रभाव है, क्या फर्क है बताया है। जैसे पवन है वह स्पर्श से गुण को प्राप्त करती है, किसी खुशबूदार पुष्प को छूकर के जब पवन आती है तो वह सुगंध की वर्षा करती है और यही वायु जब किसी बदबू वाली वस्तु का संसर्ग पाकर के आए तो दुर्गंध पैदा कर देती है। इस संगत को सुसंग अथवा कुसंग को केवल विचारशील और सुलक्षण व्यक्ति ही जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुजी, जग जस अप जस दीन। गुणों के आधार पर ही सुयश और अपयश की प्राप्ति होती है। एक माह में दो पक्ष होते हैं जिनमें चंद्रमा के प्रकाश और अंधकार की मात्रा की समानता होती है लेकिन विधाता ने इनके नाम से इनमें भेद कर दिया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। लेकिन जगत ने एक को चंद्रमा का पोषक अर्थात चंद्रमा के प्रकाश को बढ़ाने वाला और एक चंद्रमा का शोषक जान करके इनको जस और अपजस दिया है, अर्थात शुक्ल पक्ष की महत्ता ज्यादा बढ़ा दी और कृष्ण पक्ष की महत्ता को कम कर दिया। संग और कुसंग की महत्ता को समझाकर बाबा जी पुनः वंदना के प्रकरण में प्रवेश कर जाते हैं। बाबा जी कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत,
सकल राम मय जानी, और बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनी चर कृपा करहूं अब सर्व। इस बार बाबा जी की बंधन दृष्टि बड़ी विशाल है। इस संपूर्ण जगत को जिसमें जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, प्रभु श्री राम में जान करके उनके चरण कमलों की दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करते हैं, और केवल आज ही नहीं हमेशा के लिए वंदना करते हैं, सदा जोर युग पान। देव दनुज नर नाग खग, और किन किन की वंदना करते हैं? तो देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, रजनीचर, इन सभी को बाबा जी वंदन करते हैं और कहते हैं कि आप सभी मुझ पर कृपा कीजिए। यहां पर बाबा जी का भाव बड़ा विलक्षण है। देखो, यह मानस देव वाणी से भी ऊपर महादेव की वाणी है, क्योंकि भगवान शंकर ने इसकी रचना की थी, अपने मन में धारण कर लिया था। और पाय सुसमय उमासन भाषा, समय आने पर मां पार्वती जी को दी थी। तो इस महान शास्त्र की रचना करने जा रहे हैं और अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार का बीज न बन जाए। अथवा इस शास्त्र के अध्ययन का सार यही है कि जिसने इसे अंतःकरण में धारण कर लिया है, वह इस संपूर्ण जगत को अपने परमात्मा के रूप में ही देखता है। और क्योंकि बाबा जी इसकी रचना करने जा रहे हैं, तो अपने इष्ट देव को संपूर्ण भूतों में देख रहे हैं और उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। इस जगत में जितनी भी योनियां हैं, कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनि हैं। कौन कौन सी योनि है कि 9 लाख जलज है, 10 लाख पक्षी है, 11 लाख कीट पतंग है, 20 लाख स्थावर, 30 लाख पशु और 4 लाख मानव। कुल मिलाकर के 84 लाख योनि है। बाबा जी उन सबको प्रणाम करते हैं, क्या कहते हैं? आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इन सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। और क्या कहते हैं? जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। कि यहां अपनी दीनता और लघुता का परिचय देते हुए बाबा जी कहते हैं कि मुझे अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे मेरे बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी छल रहित होकर के मुझे अपना दास जान करके कृपा करें, क्योंकि आप लोग कृपा की खान हैं। अच्छा, मैं आपसे यह कृपा क्यों चाहता हूं? तो आगे बाबा जी कहते हैं, करन चाहूं रघुपति गुन गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूजन एकऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राहू। तो मैं रघुनाथ जी महाराज के पावन चरित्र का वर्णन करना चाहता हूं। अब यह चरित्र तो अथाह है और मेरी मति बुद्धि छोटी सी है। अब यहां इस कार्य को करने का निश्चय मेरे राजा रूपी मनोरथ ने तो कर लिया है, लेकिन मैं मन और बुद्धि से कंगाल हूं। लघुमति मोर चरित अवगाहा, मन मति रंक मनोरथ राव। मेरा जो मनोरथ है, मेरी इच्छा है, वो तो राजा के समान है, लेकिन मेरी मन और बुद्धि कंगाल है। अब इस कार्य को कैसे किया जाए, इसका मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। सूजन एक अंग उपाओ, मेरी मति अत्यंत नीची और चाहना बड़ी ऊंची। इस जगत में मेरी क्षमता नहीं है कि मैं छाछ को भी प्राप्त कर लूं, लेकिन
मेरी इच्छा है कि मैं अमृत को प्राप्त करूं। आप सज्जन लोग हैं, आप मेरी इस ढिठाई को क्षमा करें, मेरा ये बाल विनय सुने। मति अति नीच ऊंची रुचि आची, चहिए अमीय जग जुरई न छाची। छमी है सज्जन मोरी डिटाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। जो बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी है कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे छोटा सा बालक जब बोलना सीखता है तो वह तोतरी भाषा में बोलता है और उसके माता पिता उसे बड़े प्रसन्न मन से सुनते हैं, लेकिन जो लोग क्रूर होते हैं, बुरे विचार वाले होते हैं, पराय दोषों को दर्शन करने वाले होते हैं, वे लोग उस पर हंसते हैं क्योंकि वे दोष का दर्शन करते हैं। अब क्योंकि बाबा जी मानस के रचनाकार हैं तो आगे कहते हैं कि निज कबीत के ही लागन नीका, अर सरस हो अथवा अति पीका। जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगनाई। बाबा जी कहते हैं कि अपने द्वारा रचित कविता चाहे वह रसपूर्ण हो अथवा फीकी हो, किसे अच्छी नहीं लगती, अर्थात सभी को अच्छी लगती है। लेकिन जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर के हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम हैं। इस संसार में कैसे लोग हैं? कोई संसार में तालाब और नदी के समान बहुत से मनुष्य मिल जाएंगे जो जल पा करके अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से खुद ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन समुद्र के समान तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है। तो समुद्र में ऐसा क्या गुण है कि जो दूसरों का उत्कर्ष देख करके हर्षित होता है? समुद्र का यह गुण है कि वह चंद्रमा की पूर्णता को देख करके हर्षित होता है और आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसमें ज्वार आता है और हर्षित होकर के समुद्र बढ़ने लगता है। आगे बाबा जी कहते हैं भाग छोट अभिलाष बढ़, करूं एक विश्वास। पैहि सुख सुनि सुजन सब, खल करि हहि उपहास। बाबा जी कहते हैं कि मेरी अभिलाषा इच्छा तो बहुत बड़ी है लेकिन भाग्य छोटा है, मगर मुझे एक विश्वास है कि मेरी इस रचना को सुनकर के सज्जन तो सभी सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।